Hello dear student, I am Varun Kumar Disha from LPM school. In this video, we are discussed some question from chapter 1 and chapter 2. Now, question is, what will be the change of state when the following substances are heated? Now, what will happen? When foreign substances are heated. First, that ice iodine wax. Ice, iodine and wax. Another, water, ammonium chloride. Fourth one is water, ammonium chloride. What will happen when the following substances are heated? Very simple. अगर आप वाटर को हीट करते हैं, it start melt. I'm writing this simply. Iodine. When we heated the ice, it absorbs the temperature from surrounding and it starts converting into liquid. Converted into water. Water, liquid. And iodine gets evaporated. Gaseous iodine. The gaseous iodine can convert to air because it is sublime in nature. So, in a bracket, we know sublime in nature. Sublime in nature. Next, water. Water after heating is converted into water vapor. Water vapor. Water vapor. Wax. After it starts melting. Liquid wax. Liquid wax. Ammonium chloride. Ammonium chloride को heat करेंगे तो क्या होगा? Gaseous ammonium. Ammonium. Because sublime in nature. So in this way, question answer of this question, that is, what will happen when following substances are heated? So, ice को heat करेंगे तो water liquid में convert होगा, liquid को heat करेंगे तो gases oil में convert होगा, because it is sublime in nature.
थर्ड वैक्स को जब हीट करेंगे लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट होगा एंड इट इज वाटर, वाटर को जब हीट करेंगे वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड जब आप हीट करेंगे तो गैसेस अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा बिकॉज इट इज सप्लाइंग इन नेचर. नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन. इज इवेपोरेशन इवेपोरेशन एंड एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इवेपोरेशन जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इवेपोरेशन इफ यू रिमाइंड दैट द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन और कॉजेज ऑफ इवेपोरेशन, तो जो इवेपोरेशन इज अ सर्फेस फिनोमेनन, जो सर्फेस का वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सराउंडिंग, जो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके, सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड में, सॉरी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है विदाउट रीचिंग एट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सराउंडिंग से जैसे उसको टेम्परेचर एनर्जी मिल जाती है तो लिक्विड के अपर सर्फेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इवेपोरेट होना शुरू होते हैं. सो इट इज इट्स कॉल्ड सर्फेस फिनोमेना. बट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी यूज होती है, कंज्यूम होती है, इसलिए बोलेंगे इवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. इवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज नॉट एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होगा कि जब रिएक्शन हो जाता है तो रिएक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है. सपोज जैसे आप ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज लेने के बाद ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाता है और उसको ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी हुआ, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हुआ वो किस तरह का प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक, बिकॉज एनर्जी के रिलीजेस. इसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं और वाटर के अपर सर्फेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब करके हीट कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करके वो वाटर लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. नेक्स्ट क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई फाइंड द फॉलोइंग into elements compound and mixer, into elements compound and mixer, elements compound and mixer. First sodium, second soil, third sugar, fourth sugar solution, fourth ya apna silver, फिफ्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट. सिक्स है आपका टीन, सेवन है आपका सिलिकॉन, एट है आपका कोल, नाइन है एयर, टेन है सॉ, इलेवन है मीथेन, ट्वेल्थ है ब्लड. व्हाट इज यू थिंक अबाउट इट, यू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इन द इन एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर. वन मोर थिंग इज एडेड ऑन हियर,
30 sulfur dioxide. Sulfur dioxide. Sulfur dioxide. So what are this category of these 13 elements, 13 things, categorize them in elements, compounds and mixes. Sodium. Sodium, you already make known about that sodium is a metal. So it is a element. Now soil. Soil is a mixture of different types of elements. That is a mixture. Mixture. Now super solution. It is a mixture. Silver. That is a silver is a metal. That's why it is a elements. Calcium carbonate. Calcium carbonate का formula था CaCO3. That is ये क्या है आपका? ये है आपका compound. This is your compound. Now tin. Tin क्या होगा? ये अभी आपका tin का symbol होता है capital S small n. तो ये क्या है आपका? Element. Element. Next silicon. Silicon क्या है आपका? Silicon is a element. ये आपका है element. इसका symbol होता है capital S I. Coal. Coal जो होता है वो mixture होता है. Coal is a mixture. Heterogeneous mixture होता है. एयर आप जान रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर होता है बट यहाँ होमोजीनियस हेटेरोजीनियस लिखने की जरूरत नहीं है यहां से आपसे पूछा गया मिक्सचर के बारे में एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में सो क्या है कंपाउंड है कंपाउंड मीथेन मीथेन भी क्या है आपका कंपाउंड है ब्लड ब्लड में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं ह्यूमन ब्लड में तो ब्लड क्या है आपका मिक्सचर है ब्लड जो है मिक्सचर है मैंने नीचे लिखा है सल्फर डाई ऑक्साइड सल्फर डाई ऑक्साइड सल्फर डाई ऑक्साइड तो सल्फर डाई ऑक्साइड क्या है आपका ये है आपका कंपाउंड सल्फर डाई जो है ये आपका कंपाउंड है तो इन दिस वे वी कैन क्लासिफाई दिस फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर सोडियम जो है एलिमेंट है सॉइल जो है आपका मिक्सचर है सुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है सिल्वर सुगर सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि सुगर के पार्टिकल्स वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं सिल्वर एक आपका प्योर फॉर्म है एलिमेंट है कैल्शियम कार्बोनेट वही कंपाउंड है आपका टिन एलिमेंट है सिलिकन एलिमेंट है कोल मिक्सचर है एयर मिक्सचर है होमोजीनियस कोल जो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर है सॉल्ट कंपाउंड है मीथेन कंपाउंड है ब्लड मिक्सचर है एंड लास्ट सल्फर डाइऑक्साइड जो कि कंपाउंड है So in this way we can know about the these elements compound and mixture. Now we will take another question. That is which of the following material fall in the category of pure substances? इसमें से कौन से material which are fall in pure substances
प्योर सब्सटेंसेस. पहला है आइस मिल्क आयरन. आइस मिल्क आयरन हाइड्रोक्लोरिकेशन कैल्शियम ऑक्साइड बनती है. हाइड्रोक्लोरिक कैल्शियम ऑक्साइड मर्क्यूरी मर्क्यूरी ब्रिक वुड एयर ब्रिक वुड एंड एयर ब्रिक वुड एंड एयर इनमें से कौन सी प्योर कैटेगरी में फॉल होते हैं. प्योर ये किससे बनाया है ये आइस. आइस का फॉर्मूला क्या होता है H2 जो कि कंपाउंड है. आइस क्या हुआ आपका प्योर. मिल्क जो होता है वो विटामिन सी को छोड़ के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. मिल्क क्या है आपका मिक्सचर. मिक्सचर आयरन. आयरन इज अ प्योर बिकॉज इट इज अ एन एलिमेंट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज कंपाउंड इज रिकॉर्डेड एज प्योर. कैल्शियम ऑक्साइड इट इज अ कंपाउंड दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड एज प्योर. मर्क्यूरी इज एन एलिमेंट इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज प्योर. ब्रिक. ब्रिक क्या है ईंट को बोलते हैं ब्रिक. ये क्या है ये आपका इम्प्योर है मिक्सचर है क्योंकि कैसे बनता है ये सॉइल से बनता है. वुड ऑल्सो इम्प्योर मिक्सचर. तो कितने मिक्सचर हैं 1, 2, 3 ये मिक्सचर है. और ये क्या है ये भी मिक्सचर है. मिक्सचर मिक्सचर है आपके. नेक्स्ट नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर. कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस. और सेल्सियस स्केल डिग्री स्केल टू एंड थ्री कैंडिडेट एंड फोर सेवेंटी. सिंपल है बिल्कुल क्योंकि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन. 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 273 केल्विन. तो क्या होगा आपका डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 माइनस 293. लास्ट में कितना आएगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 20. नाउ ऑन हियर डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 470 माइनस 273 कितना हो जाएगा 203 डिग्री सेंटीग्रेड में हो. कन्वर्ट इनटू केल्विन. ए 25 डिग्री केल्विन. बी
373 calorie, which is equal to 23 minus 25 and 23, sorry, plus 373. Okay, after addition, we will find the conversion of this 25 degree centigrade and 373 degree centigrade converted into Kelvin. Okay, I think all content, all important question are covered in this video. Another topic we will discuss in the next video.